कस्टम्स की सरकारी गाड़ियां टिकटॉक बनाने के लिए इस्तेमाल होने लगी हैं। टिकटॉक बनाने वाले अफराद का ताल्लुक भी कस्टम से नहीं है। वीडियो में एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की गाड़ी नजर आ रही है। मेंबर कस्टम्स मुकरम जा कहते हैं, सरकारी गाड़ी का गलत इस्तेमाल किसी सूरत कबूल नहीं। गाड़ी पर बने वाली टिकटॉक की रिपोर्ट मंगवाता हूँ। मसीह तफसीलात लेंगे राहिल अली से। जी राहिल, में ये चीजें सामने आ रही हैं कि सरकारी गाड़ियां जो खुसूसन स्मगलिंग रोकने के लिए इस्तेमाल होती हैं और स्मगलिंग रोकने के लिए ऑपरेशन करती हैं, उन गाड़ियों पर जो है वो टिकटॉक बनाई जा रही है। और टिकटॉक बनाने वाले अफराद का ताल्लुक भी जो है वो कस्टम्स डिपार्टमेंट से जो है वो नहीं है। जाएगा कहना यह है कि प्राइवेट लोग हैं जो सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं और अब टिकटॉक बनाकर जो है वो बकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर भी जो है वो वायरल की गई है। इससे पहले भी ये देखा गया था कि कस्टम की सरकारी गाड़ियां प्राइवेट लोग जो है वो इस्तेमाल करते रहे, ये शिकायत जो है वो कस्टम के अलग स्थान तक पहुंची थी। लेकिन अब सरकारी गाड़ियां जो वीडियो में नजर आ रही है, ये एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की गाड़ी है जो स्मगलिंग रोकने के लिए इस्तेमाल होती है, इस पर जो है वो टिकटॉक बनाई गई है। इस हवाले से जब हमारी मेंबर कस्टम जो मुकरम जहाँ से बात हुई, का कहना यह था कि ये चीज मेरे में नहीं है, मैं इसकी रिपोर्ट मंगवाता हूँ, देखता हूँ कि सरकारी गाड़ियां जो है वो कौन गलत इस्तेमाल कर रहा है। सरकारी गाड़ियों की किसी भी किस्म की जो है वो इजाजत नहीं है कि वो गलत तरीके से जो है उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये शिकायत जो है वो आम हो रही है कि सरकारी गाड़ियां जो स्मगलिंग में इस्तेमाल होती हैं उसमें जो है वो प्राइवेट लोग इस्तेमाल करते हैं और वो बाकायदा तौर पर टिकटॉक बनाकर भी जो है वो वायरल कर रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया राहिल अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।